हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2 और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट साइड। रे मिशू तैयार हो गई है और ये मिशू के पापा नहीं जाएगी, तो हम लोग निकल रहे हैं। रहा मेरा लुक, तो चलिए आप भी जाओ, चलते हैं और आपको सीधा मिलते हैं वहीं पर। तो हम लोग उतर चुके हैं वो रही मिशू और मिशू के पापा, देख सकते हो। मिशू को सीढ़ियों से उतरना है, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा है। ये रहा मॉल, हमारे पास में ही है, आओ। अब हाथी पकड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। तो ये रहा BTS मॉल, चलिए अंदर चलते हैं। पहुँच गए हम, कहाँ से निकलना है? बाहर क्यों जा रहे हो आप अभी? बाहर जा क्यों रहे हो? ट्रेन में जाते टाइम बिठाएंगे ना फिर। हाँ तो यहाँ चलो ना, अभी कहाँ जा रहे हो? तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं और मिशू ने छोड़ दिया हाथ हमेशा की तरह। बेटू हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हो जाएगा। तू ये मॉल में ऐसे करती है दोस्तों आने के बाद, हाथ छोड़, चलो आजा, हाथ छोड़ देती है। कितने का है? सही है, प्रेस्टीज का सही है, 4799 का। ये जो आप बोल रहे थे वो डस्टिंग निकालने वाला, गाइस हम लोग आए स्मार्ट बाजार में, देखते हैं क्या लेना है। अभी कुछ ऐसे लेने नहीं आए। शुक्रिया, आप देखो घूमते घूमते हम लोग पहुंचे 3rd floor पे और यहाँ पर हमें कुछ नई चीज दिखी जिसका नाम था फंकी आइसलैंड। तो हमने सोचा क्यों ना अंदर जाके एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि ये पहले नहीं था, ये नया नया बना है। अंदर जाते हमने देखा यहाँ पर गेम्स लगे हुए थे और गेम्स देखते ही फर्स्ट में मिशू को ये गेम पसंद आ गया और मिशू बोलने लगी मम्मा मुझे इसमें झूलना है। बट मुझे पता था मिशू इसमें जाते ही वापस आ जाएगी, इसलिए मैं उससे फिर भी कंफर्म कर रही थी कि बेटू आप खेलोगे या नहीं। तो मिशू बोलती नहीं मम्मा मैं इसमें खेलूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम एक बार पता कर लेते हैं इसकी क्या फ़ीस वगैरह है। तो हमने सोचा क्यों ना अंदर थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए कि और क्या क्या गेम है। और अंदर जाते ही हमने यहाँ पर बहुत सारे गेम्स देखे जिसमें वीडियो गेम थे, कार गेम थे और बाकी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप देख तो ये नया खुला हुआ है, ये पहले नहीं था, तो हम लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे थे। तो मैं ये भी देख रही थी कि खाली बच्चों के गेम्स हैं या बड़ों के गेम्स भी हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ों के गेम्स भी थे, बच्चों के गेम्स भी थे और देख सकते हो आप ये काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार मिशू के इसका पता कर लेते हैं फीस का कि क्या प्राइस है इधर का। तो हम लोग वहाँ पता करने के लिए चले गए काउंटर पे। आप 6 महीने और बड़े हो जाओ, बॉल क्यों कर रही है? एक्चुअली मिशू को इसमें जाना है, बॉल है ना, बट इसकी एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि ये 2.5 साल के 3+ का है ये। चलो हम कुछ खा के, मुझे नहीं लगता ये अकेले यहाँ जाएगी, ये रोज आती है तो ये कैंसिल। मिशू मिशू आप खाएंगे ना? मिशू मिशू भूख लगी? इधर देखो अब खाने की ओर। कैसा हो रहा है टेस्ट, क्या दिखाओ पिलाओ। और डाल दो पापा, अभी वेट कर रहे हैं बर्गर आने का, ऑर्डर दे दिया है। तो गाइस ये है यहाँ का व्यू जहाँ पर हम बैठे हुए थे, फूड कॉर्नर था 3rd floor पे। तो हम लोगों ने ऑर्डर वगैरह दे दिया था, बस वेट कर रहे थे
तो सोचा कुछ ना कुछ बना लूँ। और मिशू को दिख गई थी कॉटन कैंडी की मशीन, तो मिशू जिद करने लगी कि मम्मा कॉटन कैंडी खाना है। ये फ्लेवर थे यहाँ पर बहुत सारे और ये ऑटोमेटिक मशीन थी, बस आपको फ्लेवर चुनना था और उसके बाद आपके फ्लेवर का कॉटन कैंडी बनना स्टार्ट हो गया था। यार हमारे टाइम पर तो हम लोग साइकिल वाले भैया से लिया करते थे 10-20 रुपये की, और अब देखो यहाँ पर ये इतनी एक्सपेंसिव है ना। अब फिर भी मिशू को खानी थी तो लेनी थी, और देख सकते हो आप कैसे बन रही है कॉटन कैंडी। तो ये थी 120 रुपीज़ की, जी हाँ 120 रुपये की कॉटन कैंडी। बाहर ये 3-4 मिल जाती, बट कोई बात नहीं, मिशू के लिए लेना ही था और उसको बहुत पसंद भी है ये। तो देखिए बन चुकी है और देखिए निकल रही है यहाँ से, और बस ये बन के हो गई है तैयार। आराम से आराम से। कैसे खा रहा है गुंडा? ए आराम से खा, गुड्डू इसको खिला दे अच्छे से, मुंह पूरा गंदा। फोटो ले ले। कैसे खा रहा है? देखो मिशू को कॉटन कैंडी जैसे खा रही है, अच्छा लग रहा है आपको? ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है? हाँ वो बुला रहे हैं, ऑर्डर भी हमारा आ गया है। और ये देखो मिशू को कैसे खा रही है, आ गया हमारा ऑर्डर, फाइनली वेट ख़त्म हुआ। मिशू कैसा है? अच्छा है गाइस, ये यहाँ 120 रुपये का मिला है बताओ, लेकिन बड़ा भी है और क्वालिटी भी अलग है, थोड़ा सा टेस्ट अलग है। मिशू डरती है। मिशू ना डरता है ना ये। तो गाइस मेरे मिशू और हम लोगों का खाना पीना हो गया, जा रहे हैं वापस मॉल से बाहर निकलते हैं, बाहर देखते हैं अगर वो ट्रेन मिली तो उसको बैठाएंगे, अगर ये बैठी तो। पीछे से आ रहे हैं हरीश, मिशू की एक जीन्स ली है बस और कुछ नहीं लिया, 1000 की थी, 350 की पड़ी, 70% ऑफ में तब ले लिया। तो चलिए बाहर जाके मिलते हैं आपसे। गाइस हम लोग आ गए हैं बाहर और मिशू को बैठना है गाड़ी में, लेट्स सी बैठती है नहीं बैठती, मुझे नहीं लगता बैठेगी ये गाड़ी में। आपको दिखाती हूँ वो है, देखो वो वाली कार है ना, ऐसी गाड़ी में बैठने को बोल रही है, तो देखते हैं पूछते हैं जरा। ट्रेन मिशू को बैठना है इसमें, चलो बिठा दिया इसमें मिशू के पापा के साथ। तो चलिए मिशू बाय, मिशू मिशू ये हेलो बोल दो, हेलो कर दो, ये कार्टून है, कार्टून मिशू बाय बाय। फ्लाइंग किसी कर दो, फ्लाइंग किसी तो चढ़ गई है ट्रेन और मिशू बैठ गई है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के खेलने के हैं, झूले, जंपिंग कार वगैरह, और उधर भी हैं आप देख सकते हो, अभी दिख नहीं रहा होगा धूप बहुत तेज है, और यहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को, मतलब मैंने एक पतली सी हाईनेक डाली हुई है उसमें भी इतनी गर्मी लग रही है मुझे। ट्रेन आ गई है, ये आ गई ट्रेन,
को इसमें बैठना है, चलो। ये मिशु ऊपर देखो, मिशु मिशु आप गाड़ी चला रहे हो? हाँ मजा आ रहा है? वो तो फ्री होगा ना हैंडल तो। ओ घुमाओ इधर को, घुमाओ। मिशु हेलो, अच्छा लग रहा है? मिशु मजे आ रहे हैं? मिशु मजे आ रहे हैं आपको? ओ इसने तो पता नहीं फटाफट लेके जाते हैं इसको यहाँ से, वरना फिर कुछ और बोल देगी। वो रही कहाँ गई? वो रही, चलिए अब मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्योंकि इसने चुप कर यार, पहले इसने बोला ट्रेन में बैठना है ठीक है, फिर इसने बोला गाड़ी में बैठना ठीक है, अब इसने किसी के मुंह से बाइक सुना था, फिर बाइक मार ली। वो भी बैठना है उसमें? नहीं रोती है यार, इसकी भी तो है। वो बड़े बच्चों का है, बड़े बच्चों का है, वो पापा जैसे के लिए है। वो बड़े बच्चों का है, भैया निकल लो यहाँ से। वो दद्दा दीदी लोग है, पले लोग हैं। चलिए निकलते हैं यहाँ से, निकल रहे हैं यहाँ से। और ये मॉल में ना बिल्कुल हाथ नहीं पकड़ती है। मिशु यहाँ आओ, मिशु इधर आओ, पकड़ो ना उसको। चलिए मिलते हैं आपको, हम जा रहे हैं सीधा घर पे, आप आ जाना। 5 बज चुके हैं और हम लोग जस्ट पहुँचे हैं, और काफ़ी इंजॉय किया आज मिशु ने वहाँ पर। मेन मिशु ने किया, वो देखो अभी तक गोद में सोई थी, अब उठ गई है। आपने क्या चलाया उधर? कौन क्या चलाया आपने उधर? ट्रेन और कार। उसमें आपने ऐसे बटन भी दबाया ना? हाँ ये दो रेड वन, ये हाँ हाँ ऐसे ही रेड वन। आपको मजा आया? हाँ। बहुत बल्ले बल्ले कर दो फिर बजे, बजे। हाथ से करो बजे, बजे। ऐसे कर दिए बल्ले बल्ले। तो अभी हम इसको ना उठा के ले आए, फिर बोलती बाइक में बैठाओ, बाइक में इसका बैलेंस नहीं बनता और ये गिर जाती। और एक वहाँ ना ऊपर जो फूड कॉर्नर है वहाँ उसी फ्लोर पे गेम्स का भी वो पूरा खुल चुका है, लेकिन वहाँ पे 2.5 साल के बच्चे अलाउ नहीं है तो वो नहीं खेल पाए। और वैसे भी 300 रुपये पर आवर था, 1 घंटा कौन इसको वहाँ पे बैठा के रखता? मैं तो वैसे मना करने वाली थी, इससे पहले उन्होंने बोल दिया कि बच्चा छोटा है अभी नहीं, 3 साल 3+ वालों के लिए है वो। तो चलिए हम भी कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, चाय वाय बनाती हूँ, चाय का टाइम भी हो गया। बनवाती हूँ, अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। आज सुबह हदीस ने बनाई थी चाय, अभी मैं बना लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ बाद में।